जय हिंद। पूर्व सैनिकों के लिए कुछ वैकेंसीज निकाली गई है, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे ऑल इंडिया से वैकेंसीज हैं, तो वीडियो को अंत देखेगा तभी आप पूरी बात को समझ पाएंगे। सबसे पहली जो जॉब है यह है ऑडिटर, वेलफेयर एक्सटेंशन ऑफिसर और जूनियर असिस्टेंट की, गवर्नमेंट की जॉब रहने वाली है। जॉब लोकेशन उड़ीसा में है, मैक्सिमम एज 38 ईयर है, लेकिन पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर स्टेट गवर्नमेंट रूल के अनुसार। टोटल वैकेंसीज 504 है, जिसमें कि 11 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट रखा गया है। सैलरी यहाँ पर दी जाएगी 25,500 रुपये से 1,23,144 रुपये, और यहाँ पर उड़ीसा के एक्सेस में अप्लाई कर सकते हैं, हालांकि अदर स्टेट भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसे हैं कि जो उड़ीसा के ही पूर्व सैनिक उसको फॉलो कर सकते हैं, और ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा। बात करें यहाँ पर डिटेल्स की, तो इसमें रिटर्न एग्ज़ाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, 150 मार्क का जो प्राइमरी एग्जामिनेशन होगा, जिसमें सब्जेक्ट उड़ीसा से रिलेटेड इंग्लिश और जनरल स्टेशनरी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर जो पूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसीज है, जिसमें कि ऑडिटर की 8 वैकेंसीज है, वेलफेयर एक्सटेंशन की 2 वैकेंसीज यानी वेलफेयर एक्सटेंशन ऑफिसर, और एक पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट की। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, उस लिंक के माध्यम से आप डिटेल्स जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगली जो वैकेंसी है सिक्योरिटी अफसर की, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी CBI में, और गवर्नमेंट की जॉब है। ऑल लोकेशंस ऑल इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। मैक्सिमम एज 45 ईयर है, और पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार। ये वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की रहने वाली। टोटल वैकेंसी यहाँ पर पूर्व सैनिकों के लिए 15 वैकेंसीज हैं, हालांकि वैकेंसीज 192 हैं, लेकिन पूर्व सैनिकों के लिए 15 वैकेंसीज रिजर्व करके रखी गई हैं। ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर सैलरी दी जाएगी 36,000 रुपये से 63,840 रुपये प्लस अदर अलाउंसेस दिए जाएंगे। 19 नवंबर 2023 लास्ट डेट है, इनके माध्यम से अप्लाई करना होगा ऑनलाइन के माध्यम से। और यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है इस वैकेंसीज के लिए, पूर्व सैनिक जिनका रैंक JCS है, साथ में आर्मी एयरफोर्स नेवी के और इक्विवेलेंट रैंक पैरामिलिट्री फोर्सेस के अप्लाई कर सकते हैं। इन वैकेंसीज के लिए मेडिकल सेफ होना चाहिए, साथ में आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। रिटर्न एग्जाम और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा। ज़्यादातर चांसेस हैं कि यहाँ पर इंटरव्यू के आधार पर ही सिलेक्शन किया जाएगा। अगली वैकेंसी निकाली गई है स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस SAP की, और ये वैकेंसी झारखंड की ओर से निकाली गई है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की ओर से निकाली गई है, हालांकि प्राइवेट वैकेंसीज रहेगी। यहाँ पर 55 ईयर मैक्सिमम है, और टोटल वैकेंसीज 368 है, पूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसीज रहेगी। ऑल इंडिया की पूर्व सैनिक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन झारखंड के पूर्व सैनिकों को यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। सैलरी यहाँ पर 20,000 से 25,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दी जाएगी। अदर जो इधर उधर के अलाउंसेस हैं, आना जाना वगैरह, वो आपको दिया जाएगा। 24/11/2023 इसकी लास्ट डेट है, ऑफलाइन के माध्यम से नहीं बल्कि ये वैकेंसी इंटरव्यू के आधार पर होगी। यहाँ पर दोस्तों 24/23 और 24 नवंबर 2023 को 10 बजे हेडक्वार्टर झारखंड आर्मर्ड पुलिस दोरांडा रांची, इस लोकेशन पर इंटरव्यू होगा। इच्छुक जो भी भूतपूर्व सैनिक हैं 23 नवंबर 2023 और 24 नवंबर 2023 को सुबह 10 बजे जो डॉक्यूमेंट नीचे बताए गए हैं यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको भर के आपको वहाँ पर जाना होगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं वहाँ पर, एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपको वीडियो डिस्कशन में मिल जाएगा, 4 स्टैम्प साइज फ़ोटो और पासपोर्ट साइज के फ़ोटो, डिस्चार्ज बुक एंड आइडेंटिटी कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर PPO और ओरिजिनल कोर्स सर्टिफिकेट जो भी आपके हैं, और साथ में आल उनकी फ़ोटो कॉपीज आपको लेके जानी होगी। संबंधित वीडियो में आपको वीडियो के डिस्कशन में इसका फॉर्म मिल जाएगा, तो उसको भर के आपको वहाँ पर जाना होगा।
एक और वैकेंसी जो कि सिक्योरिटी गार्ड एंड इन्फोर्समेंट की ओर से की वैकेंसीज रहेगी, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से। और यहाँ पर वैकेंसी जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत ये वैकेंसी रहेगी, 45 ईयर मैक्सिमम है, 40 वैकेंसीज हैं, सभी वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए हैं, क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए और सैलरी यहाँ पर दी जाएगी 14,800 रुपये से 47,100 रुपये। 40 वैकेंसीज है, 18 नवंबर 2023 लास्ट डेट है, एप्लीकेशन फीस 200 रुपये रखी गई है। यहाँ पर जो आपका रिकॉर्ड होना चाहिए वेरी गुड या फिर एग्जाम प्री दोनों होंगे और साथ में मेडिकल कैटेगरी सेफ वन होना चाहिए। कुछ यहाँ पर टेस्ट का डिटेल्स दिया गया है, किस तरह से अप्लाई करना है। द एप्लीकेशन फॉर्म एंड डिमांड ड्राफ्ट 200 रुपये का शुड बी सेंड टू सेंट्रल ऑफिस श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा 18 नवंबर 2023 तक आपको भेजना होगा। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज जो आपको भेजनी होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है, जिसमें कि डिस्चार्ज बुक आर्मी एयरफोर्स नेवी, इन्होंने कम से कम 15 साल सर्विस की है, मार्कशीट या फिर डिप्लोमा जो भी आपके पास है, क्वालिफाइड सर्टिफिकेट या फिर डिग्रीज, 2 सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ्स, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह आपको भेजने होंगे। दोस्तों लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगली वैकेंसी लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी निकाली गई है और ये वैकेंसी रहेगी, लोकेशन है उड़ीसा, मैक्सिमम एज यहाँ पर 38 ईयर है, पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर स्टेट गवर्नमेंट रूल के अनुसार। टोटल वैकेंसीज वो 1,670 है, जिसमें 94 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के रिजर्व है। सैलरी यहाँ पर दी जाएगी 19,900 रुपये से 25,500 रुपये। ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा, एप्लीकेशन फीस कुछ नहीं रखी गई। यहाँ पर बात करें यहाँ पर वैकेंसीज की, तो यहाँ पर लाइफ स्टॉक इंस्ट्रक्टर की 35 वैकेंसीज है, फॉरेस्टर की 9 वैकेंसीज है, फॉरेस्ट गार्ड की 50 वैकेंसीज आपको मिलेगी। दोस्तों ये वैकेंसीज इतनी वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है, बाकी वैकेंसीज यहाँ पर काफ़ी निकाली गई 1,677, लेकिन 94 वैकेंसीज में डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग पूर्व सैनिकों के लिए। यहाँ पर जो है रिटर्न टेस्ट होगा, टोटल क्वेश्चन 150 मार्क के होंगे, टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा, जिसमें कि इंग्लिश, उड़िया, अर्थमेटिक, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज और जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ध्यान रहे इन वैकेंसीज के लिए जो लास्ट डेट है 25 नवंबर 2023 है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, उस लिंक के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को भी रीड कर सकते हैं। अगली वैकेंसी जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग कंट्रोल, जो कि करेंसी नोट नासिक की ओर से निकाली गई है, करेंसी नोट फ्रेश नासिक, ऑल इंडिया की वैकेंसी ये रहेगी, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। महाराष्ट्र में जॉब लोकेशन रहेगा, यहाँ पर मैक्सिमम 25 साल है, लेकिन एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार। टोटल वैकेंसीज 117 है, जिसमें कि 8 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के रिजर्व हैं। सैलरी यहाँ पर 18,780 रुपये से 67,390 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। अप्लीकेशन फीस यहाँ पर नील रखी गई है, ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा। संबंधित फील्ड में आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए और ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो टेस्ट होगा उसकी डिटेल्स दी गई है, किस तरह से टेस्ट होगा, रिटर्न टेस्ट हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा यहाँ पर। टोटल क्वेश्चन 120 मार्क के, टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का, और इसमें जो सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे टेस्ट के लिए, प्रोफेशनल लैंग्वेज नॉलेज इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, पेंटिंग से रिलेटेड उसमें आपको नॉलेज होना चाहिए, पेंटिंग की जानकारी और उस फील्ड में आपकी जानकारी होनी चाहिए, उसे संबंधित यहाँ पर ITI सर्टिफिकेट भी मांगा गया है। जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से लेकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये थी कुछ वैकेंसीज, इससे संबंधित लिंक आपको वीडियो डिस्कशन में मिल जाएंगे। तो ये थी दोस्तों जानकारी, अभी तक इतना ही। जय हिंद।